नहीं है और भाई इनसे लिए हैं 2500 रुपये हमने लिए गाड़ी के और 150 रुपये लिए हैं टोल के। गाड़ी चलिए हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के बज रहे हैं भाई 3, आज हमारी तबीयत कुछ ढीली सी है, समझ रहे हो ना भाई। इसमें क्या है ना कि भागवत घर में चल रही थी तो भाई काम कुछ ज्यादा पड़ गया तो भाई आ गया बुखार। सुबह सुबह सो रहे थे, एक बुकिंग आई थी वृंदावन का, 7000 रुपये बताए थे भाई ड्रॉप करना था और प्लस जो है टोल था, लेकिन वो बुकिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई। शायद कस्टमर को ज्यादा पैसे लगे होंगे, जो भी हो। और ओला उबर में तो लोकल की बुकिंग आ रही थी, आउटसाइड आई नहीं। मैं तो सोच रहा था बाहर का ही काम करूंगा, तो भाई काम तो हमारे पास आ चुका है। ये फंस गया लखनऊ का 1090 चौराहे पे जाना है और तुरंत आना है। 3 बजे को उन्होंने बोला था, लेकिन बच्चे हमारे गए शॉपिंग कर रहे, तो उनको हमने कहा चलो कल्याणपुर तक छोड़ देते हैं, पनकी क्रॉसिंग पे उनको छोड़ के बस निकल लिए हैं। भाई साहब से बात हो गई जिनको जाना है, लक्की रेस्टोरेंट के पास में उन्होंने बोला पेट्रोल पंप है वहीं पर रुकिए, वहीं पर मैं आता हूँ। तो सीधा चलते हैं भाई, गाड़ी चलाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, पैसे सारे खत्म हो चुके हैं। जैसे कि हमने बताया था जितने दिन भागवत होगी भाई सारा पैसा उसी में अपना इन्वेस्ट करेंगे, जो भी इनकम होगी। गाड़ी चली भी कम, बस खाली एक ट्रिप वही बिहार वाली अच्छी हुई थी, बकाया और तो इस समय काम भाई है ही नहीं। सभी लोग जानते हैं ओला उबर को पता नहीं क्या हो गया है। तो चलो कोई नहीं, प्राइवेट और आउटसन के दम पे तो हम लोग तो खैर जिंदा रहते हैं भाई, क्योंकि लोकल में चला पाना तो बहुत मुश्किल है और इंसेंटिव तो हम कभी उठा ही नहीं पाते यार। अच्छा हमको सिखा रही है यार, चला ही नहीं पाते सारा। 4 बुकिंग करो भाई, सीढ़ी थक से जाता है, गाड़ी भी जो है बड़ा दर्द सा लगता है कि यार इतना पैसा लगा के जो है 100-100 रुपये की सवारी ढो रहे हैं। लॉन्ग ट्रिप की दूरी मिले तो भाई हमें बहुत मजा आता है गाड़ी चलाने में। तो भाई अभी क्या है कि ये यूनिवर्सिटी निकले हैं, अब यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे हैं और यहाँ से जस्ट एकदम पास में है, 2 घंटा जाने का, 2-3 घंटा मान लो 1090 चौराहे पे जो है कैंट होके जाना पड़ेगा लखनऊ में, हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए। और पैसे हम आपको बाद में बताएंगे भाई कितने पैसे हमने उनको उनसे लिए हैं और गाड़ी हमारी कितनी चली हुई है। और गाड़ी जिन हिसाब चलती है आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कीजिए, क्योंकि 4 रुपये किलोमीटर पर हमारा CNG खर्चा आता है और 5 रुपये आता भाई पेट्रोल में, ज़्यादा का अंतर आता नहीं है। मान लो 200 चलती है तो मान के चलो 800 रुपये CNG का हो गया, अगर पेट्रोल से जाएंगे भाई तो 1000 रुपये का लग जाएगा, कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। चलिए फिर चलते हैं, आप हमारे वीडियो में भाई बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारी डिटेल हम आपको देंगे भाई। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा भी इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, हमारे जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें और भाई कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, बने रहिएगा, बताते हैं अभी कुछ देर बाद का अपडेट आप लोगों को। मैंने मार्केट में सबसे बड़ा वाला निकाल के लाए हैं, दूसरी दुकान भैया तुम्हारी कहाँ है? अच्छा FM में वो ऐड भी आप लोग चलाते थे ना कि हमारी 2 दुकानें हैं, एक गंगा बराज पे एक यहाँ पे। ये है पनकी नहर वाले भाई, बढ़िया बनाते हैं। तो हमने चलो इन्हें कि यहाँ कुछ खाओ लिया जाए भाई, बुखार की वजह स्वाद आया नहीं तो सिर्फ एक भौरिया खाए भाई, क्योंकि मज़ा ही नहीं आया, कड़वा कड़वा सा लग रहा था जैसे नीम खा रहे हैं। तो हमने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पीने, लेकिन बहुत मज़ा आ रही थी भाई। सामने भी सेटअप बना रखा है, ये देखो इस तरह से है इनका भाई कुछ सेटअप। हमने तो भैया पेमेंट किया नहीं तो हमें रेट भी नहीं मालूम है, शायद 20 रुपये घोड़िया होएगी या महंगाई के हिसाब से हो सकता है 40 भी हो भाई, कुछ बताया नहीं जा सकता है। अब ये लोग पेमेंट करके आए तो भाई पता चले कि कै रुपए की है ना।
आज इसके यहाँ भीड़ कम है, वैसे भीड़ ज़्यादा होती भाई, लेकिन आज एकदम सन्नाटा सा है, देख सकते हो आप। चलती फिरती दुकान है इसकी, और पनकी नहर के बगल में भी खाएं भाई, वहाँ तो बहुत भीड़ होती थी, लेकिन अब रोड वगैरह बन जाने के कारण वहाँ जगह कुछ बची नहीं है। तो भाई एक तो इनके पास मैजिक है लोडिंग वाली, और एक ई रिक्शा है, दोनों गाड़ियों में अपना जो है सामान लाते हैं और रोज लेके जाते हैं। हम लोग खड़े भाई गंगा बैराज पे, गंगा बैराज पार करके और चौकी से पहले यहाँ पे है भाई इनका सेटअप। चलिए फिर आगे कभी दिखाते हैं आपको। हाँ तो भैया हम हैं लखनऊ में, ये खड़ी अपनी गाड़ी, गए थे वृंदावन आवास योजना, रायबरेली रोड पे पड़ता है, वहाँ से काम करके लौट, जो भी काम था निकला है, काम ये था कि भाई उनके रूम पे साइकिल रखी हुई थी, वो साइकिल अपना बस पे रखेंगे, अपने गांव भिजवाएंगे, यहाँ पे ज़रूरत है नहीं क्योंकि बच्चे हैं घर पे। तो भाई अब कर रहे हैं वेट, देखते हैं, वो साइकिल में हवा भरवा रहा है क्योंकि महीने भर से गाड़ी खड़ी थी, साइकिल उनकी गाड़ी मानो उनके लिए तो गाड़ी है भाई, तो हवा हो गई थी उसकी कम। तो भाई जहाँ पे हमने चोखा बाटी खाई थी भाई, 35 रुपये की एक चोखा बाटी थी, लेकिन मज़ा आ गया था। और यहाँ रूम से कुछ सामान वामान लेना था, सामान वामान ले लिए, गाड़ी की डिग्गी में डाल लिए, और भाई वीडियो बनाने का एकदम भी मन नहीं कर रहा है, मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तबीयत हमारी सही नहीं है, बुखार बहुत तेज़ी से है, सर्दी बहुत तेज है भाई, और सर दर्द कर रहा है। किसी तरीके बस हम गाड़ी चला रहे हैं भाई नाना करते हुए, क्योंकि ज़रूरत है यार, वो ब्लॉग भी डेली अपलोड करना है, क्योंकि अभी 4-5 दिन थोड़ा सा प्रभावित रहा है, सोचे थे आज से कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं कब तक प्रॉब्लम रहती है। और अभी 4 बाग में बस स्टैंड पर जाएंगे, वहाँ पे जो है साइकिल धरेंगे जाके जो है बस में, और फिर वो चली जाएगी भाई। तो ठीक है करिए वेट, मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। हाँ तो भैया अभी भी हम खड़े हुए हैं वहीं पे ही अपना रायबरेली रोड पे किचन एंट्रो के सामने, बड़ा चकाचौंध है यार, बड़ी लाइट वाइट इधर है, अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई समय नहीं कट रहा, आज के दिन आज का दिन लग रहा है कि बहुत बड़ा दिन हो गया है, देख लो भाई। अरे यार ब्लर मार रहा है। हाँ तो भैया ये वही जगह है जहाँ पे इधर खड़ी करने पे चालान होता है, जब भी गाड़ी खड़ी करें इधर नीचे खड़ी करें भाई, नीचे उतर के चलते हैं, खाते हैं चल के चाट वगैरह, चाय वगैरह पीते चल के, उसके बाद तो फिर दिखाते हैं आपको। आ जाओ भैया, चलो सीधा चलते हैं, टोकन लेते हैं और टोकन के बाद फिर सीधा खाते हैं। हाँ तो भैया हम आ गए वापस, वहाँ चपेड़ा पुलिया में, रात के बज रहे हैं मान के चलो 11, काफ़ी समय हो गया भाई, तबीयत भी हमारी सही नहीं, बहुत सर्दी है साला, ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, बार बार जो है सर पकड़ रहा है, और एसी भी चलाए थे, खांसी भी आ रही है, दवाई वगैरह तो लिए नहीं है, हम ऐसे ही सही हो जाते हैं, 2-4 दिन का समय लगेगा, और बुखार की भी दवाई नहीं ली भाई, कल हमें जाना भी यार ससुराल में निमंत्रण है, तो देखो कैसे जाते हैं, नहीं दूसरे लड़के को भेजेंगे तो ठीक है, अभी गाड़ी आ जाए अपनी, भाई साहब लेके गए हुए हैं, उसके बाद कभी आपको दिखाते हैं। भैया आ गए हैं वापस, कस्टमर को भाई छोड़ दिए हैं, अभी बजा आएगा ना भिड़ो, तो भाई बज रहे हैं 12, 3 बजे गाड़ी लगाई थी, 3:30 बजे निकले थे और गए थे लखनऊ वृंदावन आवास योजना, वहाँ से फिर गए आलमबाग बस स्टैंड, वहाँ से वापस आए, गाड़ी हमारी देखो भाई चली है 208 किलोमीटर अभी तक, हमने अपने घर से जीरो किया था भाई, आप देख सकते हो सीएनजी तो एकदम रिजर्व में लग चुकी है, पेट्रोल भी एकदम ख़त्म सा है,
अब सीएनजी और पेट्रोल तो भाई कल ही भराएंगे, अब आज भराने कोई मतलब तो बनता नहीं है। और भाई इनसे लिए हैं 2500 रुपये हमने लिए गाड़ी के और 150 रुपये लिए हैं टोल के। गाड़ी चली 200 किलोमीटर समझ सीधा घर की तरफ, क्योंकि रात हो गई बहुत। वो अब तबीयत हमारी कुछ अब पहले से कुछ सही है। सही क्या है यार भाई आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी क्या था, हमने कोल्ड ड्रिंक भी भाई पी, पहले जाते समय जो है चोखा बाटी खाई गंगा बराज पे, उसके बाद गए जो है लखनऊ पहुंच गए और वहां पे फिर जो है चोखा बाटी खाई थी और कोल्ड ड्रिंक पी थी। और भाई जब वापस आ रहे थे अनंत भोग पे रुके थे भाई, एक पत्ते चाट खाई भाई डबल टिक्की वाली और पी कोल्ड ड्रिंक। और अब तो भूख गई है मीट, क्योंकि बुखार है इसकी वजह से जो है भूख तो ज़्यादा लग नहीं रही है। और खाने में भी कोई स्वाद ज़्यादा आ नहीं रहा था, कड़वा कड़वा सा लग रहा था नीम की तरीके बुखार की वजह से। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब हम चलते हैं सीधा घर की तरफ। अब जब तबीयत ख़राब होती है तो भाई ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं करता है, आप लोग समझ सकते हो। चलो अपने को उससे क्या लेना देना, अच्छा सा दिखा तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं भाई। और जब भाई तबीयत नहीं सही होती तो अच्छे से वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है। और इस समय वीडियो हमारे कोई खास चल भी नहीं रहे, क्योंकि 11 दिन भाई भागवत में बिजी रहे, गाड़ी कोई ढंग की चलाई नहीं, तो जो चलाई जो इनकम हुई वो भाई भागवत में उसमें इन्वेस्ट किए लगाए कि चलो ठीक है अच्छे काम में। तो भाई ये क्रॉसिंग है देखो बंद, अब निकल रही भाई यहाँ से ट्रेन। अब ट्रेन निकलने के बाद देखो ट्रेन निकल रही है सामने से, अब ये क्रॉसिंग खुलेगी तो फिर हम इसको क्रॉस करेंगे। देखो कितनी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं, उसमें से भाई हम भी हैं ये देखो, ठीक है। और ये भाई हमारा चल रहा है वीडियो, हमने कहा चलो देखते हैं अपना वीडियो। तो भाई अब चीज़ सीधा चलते हैं घर की तरफ। बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ब्लॉग के लिए, क्योंकि ब्लॉग में ज़्यादा व्यू वगैरह नहीं आ रहा है, डॉलर वगैरह हमारे ज़्यादा बन नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा ब्लॉग में, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है, उधर इतना बिजी रहे उसकी वजह से सारा काम प्रभावित हो गया है। अब 2-4 दिन में फिर गाड़ी जो है पटरी पर आएगी, समय लगेगा लेकिन आ जाएगी, हमें यकीन है। ब्लॉग तो हम डेली बना ही रहे हैं, हालांकि उतना मज़ा आप लोगों को नहीं आ रहा होगा आपका ब्लॉग देखने में, क्योंकि अर्निंग वगैरह ज़्यादा दिखा नहीं पाते हैं। अब आज भी देखो अपने पास प्राइवेट काम था, ज़्यादातर प्राइवेट काम ही कर रहे हैं क्योंकि इंसेंटिव वगैरह उठा नहीं पाते हैं, लोकल में चलाने में मज़ा आता नहीं है। तो ठीक मेरे प्यारे भाइयों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, शुभरात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, व्यस्त रहे मस्त रहे। ओके मेरे प्यारे भाइयों।